अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं शेख इम्तियाज और आप देख रहे हैं नॉलेज शेख। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर कर्ज से छुटकारा पाने का एक मुजर्रब और आसान अमल मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो अमल है ये किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख़ुद इस दुआ को बताया है। तो नाजरीन, अगर आप में भी कोई कर्ज है या फिर आपसे कोई मांग रहा है पैसे, आप वो पैसे चुका नहीं पा रहे, आपके ऊपर कर्ज है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह आपने इस अमल को कर लिया तो यकीन जाने आप पर कितना भी ज़्यादा कर्ज क्यों ना हो वो इंशाल्लाह उतर जाएगा। नाजरीन, तब आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स पर भी कर्ज हो तो उसे चाहिए कि ये दुआ सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ा करें। नाजरीन, अब आइए उस अमल का जो तरीका है किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, करना ये है कि आपको सुबह में फजर के वक्त 7 मरतबा इस दुआ को पढ़नी है और फिर शाम में मगरिब के वक्त 7 मरतबा इस दुआ को पढ़नी है। और दुआ ये है, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। आप स्क्रीन पर भी हिंदी में देख सकते हैं। ये आपको सुबह और शाम 7-7 मरतबा पढ़ लेनी है और अव्वल आखिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आप पर कितना भी ज़्यादा कर्ज क्यों ना हो वो उतर जाएगा, क्योंकि ये दुआ हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख़ुद ये दुआ बताई है। तो बहुत ही आसान अमल है, तो आप इस अमल को आप ख़ुद भी करें और अपने भाई और दोस्तों को भी ये अमल करवाएं। और जो भी कर्ज़ के हवाले से परेशान हैं उनको ये दुआ आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।